हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सॉरी थोड़े लेट हो गए आज. फिर जो है वो हमेशा इन दिनों जो है व्यस्त था, जब फ्री होते हैं तभी थोड़े ज़्यादा व्यस्त होते हैं, तो इसके लिए वापस माफ़ी चाहता हूं. तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए, देखें थोड़ी देर सभी लोग जुड़ें, तब तक जो है अपन कल वाली चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? तो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ेंगे पॉवर्टी, गरीबी, जो कि अपने पिछली क्लास में भी पढ़ी थी, तो उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू जो है वो करेंगे. तो जैसा कि अपन ने पिछली क्लास में देखा कि गरीबी जो है वो दो तरह की होती है, पॉवर्टी गरीबी. दो तरह की गरीबी होती है, एक होती है सापेक्ष गरीबी और एक होती है निरपेक्ष गरीबी. इंग्लिश में सापेक्ष को कहते हैं रिलेटिव और इसे कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी. सिंपल भाषा में कहें सापेक्ष गरीबी यानी दो लोगों, किसी एक आदमी की गरीबी को देखना किसी दूसरे व्यक्ति की तुलना में, सापेक्ष करना, दो लोगों को की तुलना करके और उनमें से किसी एक को जो गरीब घोषित किया जाता है उसे सापेक्ष गरीबी कहते हैं. ये आय की असमानता को दिखाता है. ये किसे दिखाती है? आय की असमानता को दिखाती है. इट शोज इनइक्वलिटी ऑफ इनकम. आय की असमानता को दिखाती है, ठीक है? कि एक व्यक्ति के पास 100 करोड़ है, दूसरे के पास 90 करोड़ है, तो ये दिखाती है कि ये कहेगी कि भाई चलो ये असमानता है, इनइक्वलिटी है, ठीक है? तो आय की असमानता को दिखाएगी. तो इसकी तुलना में ये गरीब है, तो एक के पास ज्यादा रुपए होते हैं दूसरे के पास कम होते हैं, तो दूसरा वाला जो है उसकी तुलना में गरीब माना जाता है, तो इसे कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी. तो ये आय की असमानता को दिखाती है, जबकि ये दिखाती है कि इसका दूसरे निरपेक्ष है, ये दूसरे लोगों से कोई मतलब नहीं है. हर व्यक्ति को इंडिविजुअली अलग देखा जाता है और ये देखा जाता है कि एक आदमी की जो बुनियादी आवश्यकताएं होती है, बेसिक एमिनिटीज होती है, वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है. और समाज में ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते हैं, तो इस तरह की जो गरीबी होती है उसे निरपेक्ष गरीबी जो है वो कहते हैं. और वैसे सामान्य या गरीबी मापन का यही जो प्रकार है ये लोकप्रिय है, ठीक है? अब ये जो आय की असमानता दिखाने वाले दो चीजें हैं, एक तो है लॉरेंज कर्व लॉरेंज वक्र, ठीक है? लॉरेंज आदमी का अर्थशास्त्री का नाम था और वक्र यानी ग्राफ जो है, और एक है गिनी कोफिशियंट जो अपन ठीक है, ये दो चीजें आज अपन जो है वो पढ़ेंगे. तो अपन जो है वो देखें कि लॉरेंज कर्व जो है वक्र है, कल सॉरी मैंने बाद में चेंज करवा दिया था, कल मैंने ये थोड़ी सी गलत लिख दिया था. यहाँ आय की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये जो है आप भी उसमें थोड़ा चेंज कर दे देना. यहाँ पे आपको लिखना है सीएफ ऑफ जनसंख्या पॉपुलेशन, ठीक है? और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ संचयी बारंबारता, किसकी? आय की. यहाँ पे आपको जो है वो ये लिखना है, ठीक है? तो ये कल वाला जो था आप चेंज कर दीजिए, पहले मैंने गलती से इधर लिखवा दिया था, तो इसको थोड़ा चेंज करते हैं आप. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता. और तो ये लॉरेंज कर्व जो है वो जो बनता है वो एक, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये 45 डिग्री के बीच में, जस्ट इसके और इसके जस्ट बीच में एक जो लाइन खींची गई है, इसे लॉरेंज ने आइडियल लाइन कहा है, अर्थशास्त्री लॉरेंज ने. और उसने कहा है कि किसी भी देश के संसाधनों का वितरण जो भी है उसका अगर अपन ग्राफ बनाएं, ग्राफ के माध्यम से अगर पेश करें,
तो उसका जो ग्राफ है वो इस लाइन से इस लाइन के बीच में बनेगा किसी भी देश का। किसी भी देश में आय के संसाधनों के वितरण का ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो वो ग्राफ इस लाइन से इस लाइन के बीच में बनेगा। और अगर तीन चार देशों के जैसे ये ग्राफ बने हुए हैं, मैंने एग्जांपल दिया है कि जैसे ये ग्राफ जो है वो भारत का है, ये ग्राफ अमेरिका का है, ठीक है, और ये अमेरिका का हो गया, ये लिख दो देखें किसका बताएं, ये पाकिस्तान का लिख बना देते हैं, ठीक है, और ये जो इधर वाला ये ग्राफ है ये भूटान का बना देते हैं। तो इस तरह से आपसे प्री में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा सिंपल सा कि इसमें सबसे ज्यादा असमानता कहाँ पे है, सबसे ज्यादा तो इस आइडियल आदर्श स्थिति के नजदीक है, इसका मतलब असमानता कम है और वहां स्थिति अच्छी। आदर्श स्थिति यही होती है कि असमानता नहीं होती है, ठीक है, असमानता ज्यादा है तो आदर्श स्थिति नहीं है। तो आइडियल लाइन के जितना नजदीक ग्राफ है इसका मतलब उस देश के अंदर आय का जो वितरण है वो असमानता कम है, ठीक है। और वो ग्राफ अगर जिस जैसे जिस जिस देश का ग्राफ दूर जाता जाता है इसका मतलब यह है कि वहां पे असमानता इनइक्विलिटी ज्यादा है। तो यह भूटान में असमानता सबसे कम है, उसके बाद भारत में असमानता कम है, अमेरिका में असमानता कम है, और ये पाकिस्तान में असमानता सबसे ज्यादा है। तो इस ग्राफ को सिंपल प्रश्न यही आएगा। और अगर किसी देश का जो लॉरेंज कर्व बनाए संसाधन वितरण और वो आइडियल लाइन आता है इसका मतलब ये है कि उस देश में सभी लोगों के पास समान संसाधन है, ठीक है, सबकी आय समान है। और अगर किसी देश में 99.99% लोगों के पास एक भी रुपया नहीं है तो उसका ग्राफ जो है इस तरह से आएगा, और एक ही आदमी के पास सारा रुपया है तो फिर ये सीधी एक लाइन है, सारे रुपए एक के पास ही है, तो इस तरह से ये ग्राफ बन जाएगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये है, तो प्रश्न अगर एक्स एक्सिस के अंदर समाहित है लॉरेंज कर्व तो असमानता ज्यादा है, आइडियल लाइन में है तो असमानता नहीं है, ठीक है। तो ये बस इतना सा जो है, तो और ये आपको समझ में आ गया, ये आ गया है। तो उसके बाद मैंने जो है ये सापेक्ष और निरपेक्ष गरीबी जो है वो हो गया। उसके बाद ये ग्राफ कैसे बनाए हैं ये मैंने समझाया था कि जनसंख्या को पांच भागों में बांट दिया अपन ने, और ये सबसे गरीब लोग हैं, ये सबसे अमीर लोग हैं, इस तरह से जैसे जैसे अमीर लोग होते जाते हैं उनके परसेंटेज और उनके पास कितने संसाधन है, ठीक है। 20% जो सबसे गरीब है उनके पास देश की जो टोटल इनकम होती है एक साल में उनमें से उनको केवल 100 रुपए अगर होती है तो उनको 5 रुपए ही मिलते हैं, 5% मिलती है। फिर अगले जो 20% है इनको देश की कुल आय में केवल 10% मिलती है। तो ये संचयी बारंबारता कैसे निकली है, ये 5 यहां लिख दिया, फिर यहां पे जो है ये 10+5, ये 5+10 भी जुड़ गए, क्योंकि ये इन 40% लोगों के पास संसाधन कितने हैं तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 15% है, 60% तीनों को जोड़ दें अगर तो यहां तीनों को जोड़ा है तो यहां पे भी तीनों को जोड़ दो, 5, 10 और 15 तो ये 30 हो जाएगा। फिर इसको ये 20 इन सबको जोड़ा है, 80 हुआ है तो इन सबको भी जोड़ दिया। तो ये संचयी बारंबारता इसी को कहते हैं, ये जुड़ते जाएंगे और 100 हो जाएंगे, ठीक है। और फिर इनका अपन ने जो है वो ग्राफ बना दिया था, ये बड़ा सा ग्राफ समझाया था ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। तो इसके बाद जो है ये आ गया, तो अब अपन जो है वो चलते हैं नेक्स्ट। तो लॉरेंज कर्व समझ में आ गया है क्लियरली, अब अपन पढ़ेंगे गिनी कोफिशियंट, गिनी गुणांक। गिनी कोफिशियंट, गिनी गुणांक, ठीक है, गिनी गुणांक क्या है, देखो गिनी गुणांक लॉरेंज वक्र का ही गणितीय रूप है। गिनी कोफिशियंट इज ए मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ लॉरेंज कर्व। गिनी गुणांक लॉरेंज वक्र का गणितीय रूप है, ठीक है।
तो अब गणितीय रूप क्या है, ये जो जैसे लॉरेंज वक्र है तो गिनी कोफिशियंट इज इक्वल टू लिख दो, ये जैसे मैं ये बना देता हूँ, एक ग्राफ बना दो, ठीक है, ये 45 डिग्री है, तो यहां पे लिख दिया ओ ए बी, और फिर एक ये तो है आदर्श रेखा, ठीक है, और ये है वास्तविक रेखा, वास्तविक गरीबी रेखा, रियल ग्राफ लॉरेंज कर्व, ठीक है, और यहां पे एक पॉइंट बना दिया और यहां लिख दिया सी, ठीक है, तो बना दो ऐसे और लिखो, या ओ लिखो या ए लिखो या बी लिखो और या सी लिख दो, ठीक है, तो गिनी कोफिशियंट इज इक्वल टू ओ ए सी अपॉन ओ ए बी, ओ ए सी अपॉन ओ ए बी, ओ ए सी अपॉन ओ ए बी, ठीक है, लिख दिया। अब क्या है, ओ बोर्ड स्विच, तो अब ये ओ ए और सी, ये जो त्रिभुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज बनाया हुआ है अपन ने, तो ये छोटा त्रिभुज ऊपर और बड़ा त्रिभुज नीचे आ जाएगा, और ओ ए और बी का जो क्षेत्रफल है ये नीचे लिखना है आपको, ठीक है, ये जो पूरा क्षेत्रफल बन रहा है इस एरिया को, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं और इसको नीचे लिखते हैं, अपने को ना तो क्षेत्रफल निकालना ना नीचे लिखना है, पर अपने को पता है कि ये जितना भी क्षेत्रफल, अब इसमें ज्यादा कौन सा है क्षेत्रफल, ये स्वाभाविक बात है ये बड़ा त्रिभुज है और इसके त्रिभुज के अंदर जो बन रहा है ये छोटा त्रिभुज है, तो इसके क्षेत्रफल को यहां लिख देते हैं अपन, ठीक है, तो ऊपर की तरफ और बड़े वाले को नीचे लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि अलग अलग देशों का जो लॉरेंज कर्व है, ये लॉरेंज वक्र है, वास्तविक रेखा कहें या इसको कह दें लॉरेंज वक्र, तो अलग अलग देशों का लॉरेंज वक्र अलग अलग आएगा, एक देश का जैसे कि भारत का लॉरेंज वक्र ये है, तो इसको जो ये जो क्षेत्रफल है इसको अपन ऊपर लिख देंगे, ठीक है, और इस पूरे के क्षेत्रफल को नीचे लिख देंगे, और फिर जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि ऊपर वाला कम है और नीचे वाला ज्यादा है, तो इसकी जो गिनी गुणांक, तो लिखो गिनी गुणांक का मान 0 से 1 के बीच होता है, द वैल्यू ऑफ गिनी कोफिशियंट कैन बी 0 to 1, गिनी गुणांक का मान, गिनी गुणांक, गुणांक की जो वैल्यू है 0 से 1 के बीच होती है, ठीक है। अब जितनी गिनी गुणांक का मान जितना ज्यादा है, अधिक है, इसका मतलब है कि उस देश में असमानता अधिक है। लिखो, यदि गिनी गुणांक का मान अधिक है, इफ द वैल्यू ऑफ गिनी कोफिशियंट इज मोर, इट मीन्स मोर इनइक्वलिटी
यदि गिनु गुणांक का मान अधिक है तो असमानता अधिक है। द वैल्यू ऑफ गिनी कोफिशियंट इज मोर, इट मीन्स मोर इनइक्वलिटी। ठीक है, गिनी लिख लो तुम तो बस, गिनी कोफिशियंट का मान कम है तो वैल्यू ऑफ गिनी कोफिशियंट इज लेस, इट मीन्स लेस इनइक्वलिटी। ठीक है, गिनी कोफिशियंट का मान कम है तो गरीबी सॉरी असमानता कम होगी। तो मैं जैसे बताऊं कि ये जीरो से एक के गिनी कोफिशियंट की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, जीरो से एक। तो एक देश है ए, उसके गिनी कोफिशियंट 0.3 आ रहा है। एक देश है बी, अलग अलग देशों का जो ग्राफ है अलग अलग बनेगा, अलग अलग बनेगा इसलिए सबका गिनी गुणांक भी अलग अलग आएगा। बी देश का गिनी कोफिशियंट है 4 और सी देश का गिनी कोफिशियंट है 0.5 और डी का है 0.6। तो कौन से देश का गिनी गुणांक की वैल्यू ज्यादा है, डी की। तो इसका मतलब डी में असमानता ज्यादा है, ठीक है, और ए में असमानता कम है। तो जिस देश का गिनी कोफिशियंट कम आता है वहां पे असमानता कम होती है। और देखो गिनी गुणांक ज्यादा असमानता ज्यादा, गिनी गुणांक कम असमानता कम, ठीक है। अब आप समानता मत ले लेना, तो मैं कहीं ये इक्वलिटी रख लो कि गिनी गुणांक ज्यादा और समानता ज्यादा, नहीं, यहां बात असमानता की हो रही है, इन इक्वलिटी की हो रही है। ठीक है, गिनी कोफिशियंट और लॉरेंज कर्व जो है इन इक्वलिटी को दर्शाते हैं, इसलिए असमानता इस शब्द याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। असमानता तो गिनी गुणांक ज्यादा असमानता ज्यादा है, गिनी गुणांक कम असमानता कम होगी, बस प्रश्न यही आएगा। और अगर गिनी गुणांक बिल्कुल जीरो है किसी देश का, कम से कम कितना हो सकता है, जीरो। देखो यदि गिनी गुणांक का मान जीरो है, इफ गिनी कोफिशियंट जीरो, तो क्या होगा, असमानता भी जीरो होगी। और जीरो असमानता यानी कि पूर्ण समानता, टोटल इक्वलिटी। और यदि यहां मैं समानता शब्द लिखवा रहा हूं, यदि गिनी गुणांक का मान जीरो है तो पूर्णतः समानता है उस देश में, देयर इज ए कंप्लीट इक्वलिटी। ठीक है, यदि गिनी गुणांक का मान एक है तो पूर्णतः असमानता है, टोटल इनइक्वलिटी। बस चार लाइनें याद करनी है आपको, गिनी कोफिशियंट की वैल्यू ज्यादा है, इनइक्वलिटी ज्यादा है, गिनी कोफिशियंट की वैल्यू कम है, इनइक्वलिटी कम है, और गिनी कोफिशियंट की वैल्यू जीरो है तो इनइक्वलिटी भी जीरो है। इनइक्वलिटी जीरो, इनइक्वलिटी जीरो मतलब टोटल इक्वलिटी है, और गिनी कोफिशियंट की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब टोटल इनइक्वलिटी है। अब आप देख लो कि जैसे कि ये पूरा त्रिभुज है, ये तो क्षेत्रफल ज्यादा ही होगा, और सपोज कि इसका क्षेत्रफल जो है आप लिख दो कि कितना लिख दो, 90 लिख दो यहाँ पे, ठीक है, 90 स्क्वायर मीटर लिख दो, स्क्वायर सेंटीमीटर जो भी है। अब ऑब्वियस बात है ऊपर वाले का वैल्यू जो है वो कम ही होगी, ठीक है, ऊपर वाले की वैल्यू 30 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, ज्यादा ज्यादा अगर ये इधर जाता जाएगा इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, और ऊपर वाली वैल्यू कम होती जाएगी मतलब गिनी कोफिशियंट जो है वो कम होता जाएगा। और अपन ने क्या कहा था, लॉरेंज ने भी क्या कहा था, किसी देश का लॉरेंज कर्व आइडियल लाइन के नजदीक है, ठीक है, तो इसका मतलब असमानता कम है, ठीक है, नजदीक आएगा तो इसकी वैल्यू कम होगी, तो गिनी कोफिशियंट कम आएगा,
ठीक है। और अगर ये आगे बढ़ता 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 कहाँ जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कि इस तरह से इसमें इंक्लूड हो सकता है, ये सी जो है बी के साथ शामिल हो सकता है। अगर पूरी असमानता है तो उसका इस तरह से बनेगा तो दोनों त्रिभुज बराबर हो जाएंगे, दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे, दोनों कट जाएंगे, एक आ जाएगा, ठीक है। और अगर ये यूं करता करता सी इसमें आ जाए, किसी देश का लॉरेंज कर्व ऐसा बन जाए, तो लाइन लाइन का क्षेत्रफल हमेशा जीरो माना जाता है, ठीक है। ये तो रेखा गणित पता ही होगा आपको कि रेखा गणित के अंदर बिंदु, अब आपको होगा कि लाइन है इतनी लंबी है और इतनी लंबी लाइन कोई तो क्षेत्रफल जगह रोकती है तो नहीं, आइडियल ये एक आदर्श है कि जो बिंदु होता है और खूब सारे बिंदु डॉट्स मिलके पॉइंट्स मिलके और लाइन बनती है और हर बिंदु का क्षेत्रफल शून्य होता है, जीरो होता है। बिंदु का मतलब है कि वो बिल्कुल ही जगह नहीं घेर रहा है। चलो खैर ये अपनी यहाँ की विषय वस्तु नहीं है, ये मैथमेटिक्स की विषय वस्तु है। तो अगर ये यहाँ आ जाएगा तो ये जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा तो ऊपर ऊपर अगर जीरो आ जाएगा ऊपर वाले का क्षेत्रफल जीरो हो जाएगा। ये सी यहाँ है तो लाइन आ जाएगी सीधी, ये त्रिभुज नहीं होगा ये लाइन बन जाएगी, तो लाइन का क्षेत्रफल जीरो। ऊपर जीरो लिखा है तो नीचे भले कुछ ही लिखा हो, 100 लिखा हो, 200 लिखा हो, 90 लिखा हो, टोटल वैल्यू जो है वो क्या होगी, जीरो होगी। जीरो में कितने का भाग दो कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता, वो जीरो है। और ज्यादा से ज्यादा दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि ये सी इधर आ सकता है, इधर आएगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे तो वो एक आ जाएगा, तो और बीच में ये पॉइंट्स में जो है वो संख्या आएगी। खैर समझ में जिनको आ गया, मैथमेटिक्स जिनकी है उनको समझ में आ जाएगा, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, समझने की जरूरत नहीं है आपको। बस एक तो ये गिनी कोफिशियंट का फॉर्मूला, छोटा त्रिभुज जो जो बन रहा है ये ऊपर लिखना है और बड़ा त्रिभुज नीचे लिखना है, पहली चीज। दूसरा गिनी कोफिशियंट की वैल्यू कितनी होती है, जीरो से एक के बीच में, ये याद रखना है। और तीसरी बात, ये जो चार सेंटेंस है, गिनी कोफिशियंट कम इनइक्विलिटी कम, गिनी कोफिशियंट ज्यादा इनइक्विलिटी ज्यादा, गिनी कोफिशियंट जीरो इनइक्विलिटी जीरो यानी टोटल इक्विलिटी, गिनी कोफिशियंट वन यानी टोटल इनइक्विलिटी। तो ये हो गया गिनी कोफिशियंट और लॉरेंज कर्व। आपका प्रश्न जो है वो पक्का इन दोनों में से किसी एक का के बारे में जो है, ये जो सेंटेंस लिखवाए हैं चार चार, दोनों में मैंने चार चार सेंटेंस लिखवाए हैं, वो प्रश्न जो है वो पूछा जाएगा। तैयार हैं उसके लिए, आप कर देंगे सही। तो ये थी रिलेटिव पॉवर्टी, क्या सॉरी हाँ रिलेटिव पॉवर्टी, ठीक है। अब अपन चलते हैं निरपेक्ष गरीबी। अब क्या देखेंगे अपन, निरपेक्ष गरीबी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एब्सोल्यूट पॉवर्टी निरपेक्ष जो है वो गरीबी। लिखो देखें इसकी डेफिनेशन लिख दो, इसमें व्यक्ति के लिए यह देखा जाता है इसमें व्यक्ति के लिए यह देखा जाता है कि वह जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर पाता है या नहीं। इन दिस वी सी दैट whether a person is fulfilling his basic amenities or not, यह देखा जाता है कि व्यक्ति जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर पा रहा है या नहीं। In this we see whether a person is fulfilling
his basic amenities or not? Fulfilling his basic amenities or not? A person who can't fulfill his basic amenities is considered poor. जो व्यक्ति जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है उसे गरीब माना जाता है. Person who can't fulfill his basic amenities is considered poor. जो व्यक्ति अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है उसे गरीब माना जाता है. तो बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है उसे गरीब माना जाता है. ठीक है, जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं के लिए कुछ मानक निर्धारित किए जाते हैं. सम पैरामीटर्स आर डिसाइडेड फॉर द बेसिक एमिनिटीज ऑफ लाइफ. बुनियादी आवश्यकताओं के लिए कुछ मानक निर्धारित किए जाते हैं. सम पैरामीटर्स आर डिसाइडेड फॉर द बेसिक एमिनिटीज. कुछ मानक निर्धारित किए जाते हैं. ठीक है, बुनियादी आवश्यकताओं के लिए कुछ मानक निर्धारित किए जाते हैं तथा इन मानकों के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण होता है. एंड बाय दीज पैरामीटर्स पॉवर्टी लाइन इज डिसाइडेड. गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है तथा लोगों को दो श्रेणियों में बांटा जाता है. पॉवर्टी लाइन बाय दीज पैरामीटर्स पॉवर्टी लाइन इज डिसाइडेड एंड पीपल आर डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज. लोगों को दो श्रेणियों में बांटा जाता है. बिलो पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा से नीचे एंड बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन. बीपीएल ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल तथा दूसरी श्रेणी होती है गरीबी रेखा से ऊपर अबोव पॉवर्टी लाइन एपीएल. बीपीएल और एपीएल इसे हेड काउंट मेथड भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज ए हेड काउंट मेथड. सिर गिनने की विधि हेड काउंट मेथड भी कहते हैं. क्या कहते हैं इसे, सिर गिनने की विधि जो है वो कहते हैं हेड काउंट मेथड. यानी इसमें वो पहले वाला जो देखा था गरीबी, उसमें ऐसा नहीं बताया जाता कितने लोग गरीब है, कितने प्रतिशत लोग गरीब है भारत में कुल कितने. तो ये माथे गिनने, 1, 2, 3, 4 इतने हजार, इतने लाख, इतने करोड़ लोग जो है वो गरीब है. ठीक है, इसे हेड काउंट मेथड जो है वो कहते हैं, सिर गिनने की विधि कहते हैं. इसमें सिर गिने जाते हैं, पहले वाले में सिर नहीं गिने जाते, माथे नहीं गिने जाते. उसमें तो कितने, कहां असमानता ज्यादा है, कहां असमानता कम है और कितनी असमानता है, कौन कौन लोग हैं, ये जो है उसमें डिसाइड यू फिक्स यू क्लासिफिकेशन नहीं होता कि ये गरीब है और ये अमीर है. ठीक है, इसमें ये फिक्स डिसाइड किया जाता है. दूसरों से कोई तुलना नहीं की जाती व्यक्ति की. ठीक है, दूसरे लोगों से तुलना नहीं की जाती. बस ये देखा जाता है कि एक जीवन जीने के लिए बुनियादी आवश्यकताएं क्या होती है.
और कितने लोग अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर पा रहे हैं और कितने लोग अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और जो बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं उनको गरीब माना जाता है और उनके वेलफेयर के लिए फिर योजनाएं बनाई जाती है कि भाई इनको इनके जीवन की बुनियादी सुविधाएं इन्हें प्राप्त होनी चाहिए। तो इसमें गिना जाता है गरीबों को, गरीबों का प्रतिशत निकाला जाता है। इसमें क्या निकाला जाता है? गरीबों का प्रतिशत। हेडकाउंट मेथड में लिख दो, इसमें गरीबों का प्रतिशत व संख्या निकाली जाती है। इन दिस देयर इज अ परसेंटेज ऑफ पुअर पीपल और द नंबर ऑफ पुअर पीपल। There is a percentage of poor people or number of poor people. गरीबों का प्रतिशत निकाला जाता है या गरीबों की संख्या निकाली जाती है कि कितने गरीब हैं वो इसमें। फिर गरीबी निर्धारण का कि यही जो विधि है ये लोकप्रिय है। This method of पॉवर्टी इज ए पॉपुलर, गरीबी निर्धारण का कि यही विधि लोकप्रिय है। दिस मेथड ऑफ पॉवर्टी इज पॉपुलर, ये जो गरीबी है यही लोकप्रिय है। भारत में इसी के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। देखो भारत में गरीबी मापन के लिए निरपेक्ष गरीबी को देखा जाता है। इन इंडिया फॉर द पॉवर्टी एस्टिमेट रिलेटिव पॉवर्टी इज कंसिडर्ड। रिलेटिव पॉवर्टी इज कंसिडर्ड। गरीबी निर्धारण के लिए जो है ये निरपेक्ष गरीबी को ही माना जाता है। इसी तरह से यूएनओ, विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक आदि के द्वारा भी निरपेक्ष गरीबी को ही मापा जाता है। यूएनओ, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक एटसेट्रा ऑल्सो एस्टिमेट द रिलेटिव पॉवर्टी। Also estimate relative poverty. तो आगे हम जो भी पढ़ेंगे वो relative poverty ही पढ़ेंगे, निरपेक्ष गरीबी, sorry, relative नहीं, absolute poverty. अपन absolute poverty के बारे में पढ़ रहे हैं, तो निरपेक्ष गरीबी ही जो है वो की जाती है। तो अब जो देखा जाता है, मापा जाता है, वो कैसी गरीबी मापी जाती है? निरपेक्ष गरीबी। ठीक है, तो निरपेक्ष गरीबी में जीवन की बुनियादी आवश्यकताएं, जीवन की बुनियादी आवश्यकताएं ठीक है, और सही मायने में इसे बुनियादी आवश्यकताएं पूरी कर नहीं कर पा रहा है उसको गरीब माना जाता है। एक आदमी के पास 10,000 करोड़ है या नहीं है और दूसरे के पास 900 करोड़ है तो इसमें कोई गरीब नहीं, दोनों बुनियादी आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं तो इनमें से कोई गरीब नहीं है। अगर हम निरपेक्ष गरीबी को मान रहे हैं तो दोनों में से कोई गरीब नहीं है, लेकिन अगर हम रिलेटिव पॉवर्टी देख रहे हैं तो फिर एक व्यक्ति के पास 1,000 करोड़ है और दूसरे के पास 500 करोड़ है तो फिर हम उसमें कहेंगे कि 500 करोड़ वाला गरीब है। सापेक्ष गरीबी में 500 करोड़ वाला गरीब है और निरपेक्ष गरीबी में 500 करोड़ वाला गरीब नहीं है। इसमें ये देखेंगे कि अगर दोनों जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं तो कोई भी गरीब नहीं है। तो गरीबी को देखने के दो तरीके होते हैं, एक तो दूसरों से तुलना करके गरीब घोषित करना और एक व्यक्ति की खुद की जो जीवन में क्या प्राप्त हो रहा है उसके आधार पर गरीबी। तो यही देखा जाता है हमारे देश में जो है, तो इसको ही कहते हैं निरपेक्ष गरीबी। ठीक है,
सापेक्ष और निरपेक्ष गरीबी होगी। अब जो है, अब गरीबी ये जो मापी जाती है ना, इसके दो, निरपेक्ष गरीबी को मापने के जो है दो मेजर जो है, एक है URP, लिखो, देखे लिख दो, निरपेक्ष गरीबी को मापने के लिए फॉर द, या निरपेक्ष गरीबी के अनुमान के लिए, मापने की बजाय अनुमान शब्द ज्यादा यूज किया जाता है, निरपेक्ष गरीबी के अनुमान के लिए प्रायः दो प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है, फॉर द एस्टिमेट ऑफ द एब्सोल्यूट पॉवर्टी। टू टाइप्स ऑफ मेथड्स, जनरली टू टाइप्स ऑफ मेथड्स आर यूज्ड। Two types of methods are used for the estimate of absolute poverty. Generally, two types of methods are used. ठीक है, निरपेक्ष गरीबी को का अनुमान करने के लिए प्रायः दो प्रकार की विधियां अपनाई जाती है। ठीक है, दो प्रकार की विधियां कौन सी है? पहली है URP। URP की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड कई जगह रेफरेंस और कई जगह रिकॉल पीरियड भी कहा जाता है इसमें। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड या यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड, URP की जो फुल फॉर्म है अलग अलग जगह पे अलग अलग मिलती है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड भी कहते हैं, यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड भी कहते हैं इसको। इसके तहत यह देखा जाता है, इन दिस वी सी, इसके तहत यह देखा जाता है कि किसी परिवार ने, इसके तहत यह देखा जाता है कि किसी परिवार ने, इसके तहत यह देखा जाता है, इन दिस वी सी, इसके तहत यह देखा जाता है किसी परिवार ने पिछले 30 दिन में, पिछले 30 दिन में खाद्य वस्तुओं पर कुल कितना व्यय किया है, खाद्य वस्तुओं पर कुल कितना व्यय किया है। इन दिस वी सी दैट एनी फैमिली हैज हाउ मच स्पेंड on food products। ठीक है, इसमें यह देखा जाता है कि 30 दिन में, कितने दिन में, तो ये फुल फॉर्म हटा देता हूं मैं, यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड रेफरेंस पीरियड, तो ये देखा जाता है कि पिछले 30 दिन में खाद्य पदार्थों पर कितना व्यय किया है, खाद्य पदार्थों पर कितना व्यय किया है, कि जितना मतलब, और उसके बाद में जो एस्टिमेट लगाया जाता है कि भाई पिछले 30 दिन में प्रॉपर सब परिवार के लोगों को खाना मिल सका है या नहीं मिल सका है। अगर मिल सका है तो ठीक है, वो गरीब नहीं है, और उनको पूरा खाना नहीं मिला है तो फिर वो है गरीब। ठीक है, ये इसे कहते हैं URP। दूसरा होता है मिक्स्ड MRP, फुल फॉर्म लिखो MRP। मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, अब गरीबी मापनी है अपने को, तो देखना है कि कोई
परिवार अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए फिर वो जो है ये देखना है कि इन्होंने कितना खर्चा किया है पिछले 30 दिन में, उसमें देखा जाता है, 30 दिन का अनुमान लगाया जाता है। इसमें मिक्स्ड, ये है मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड या मिक्स्ड रिकॉल पीरियड, ठीक है। रिकॉल टर्म भी हो सकती है, रेफरेंस टर्म भी हो सकती है, ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं, आपके जो भी आए दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। देखो, इसके तहत यह देखा जाता है कि किसी परिवार ने पिछले 365 दिन में इन दिस वी सी दैट एनी फैमिली हैज हाउ मच स्पेंड ठीक है हाउ मच स्पेंड ऑन, किसी परिवार ने पिछले 365 दिन में, ठीक है, कपड़े जूते, कपड़े और जूते तो एक साथ हो गए, शिक्षा एजुकेशन, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों हमेशा साथ ही निकलते हैं, ड्यूरेबल गुड्स, टिकाऊ वस्तुएं, टीवी फ्रिज, लिख दो पांच वाली को टिकाऊ वस्तुएं, तो ये पांच चीजें हैं, टिकाऊ वस्तुएं, इन पर जो है कितना व्यय किया है, पर कितना कुल व्यय किया है। इन दिस वी सी दैट एनी फैमिली हैज हाउ मच स्पेंड ऑन क्लोथ्स, फुटवियर, एजुकेशन, हेल्थ एंड ड्यूरेबल गुड्स, दैट एनी फैमिली हैज हाउ मच स्पेंड on clothes, footwear, education, health and durable items, durable goods. एक तो होती है durable, ठीक है, durable यानी जो टिकाऊ है, टिकती है, टीवी, एसी, पंखा, फ्रिज, एक आप ब्रेड लेके आए, आटा लेके आए, सब्जी लेके आए, उसको आप टिकने देते ही नहीं हो, लाते ही आप यूज में ले लेते हो, खा जाते हो, ठीक है। तो जो टिकाऊ वस्तुएं हैं उन पर कितना खर्चा किया है, तो 365 दिन में इन पांच चीजों पर कितना खर्चा किया है, उसके आधार पर जो है कि आपने कपड़ों पे कितना खर्चा किया है, आपने जूतों पे कितना खर्चा किया है एक साल, ठीक है। अब ये भोजन वाला तो एक साल का याद रह नहीं सकता कि जनवरी में कितना किया था, कितना किया था, और अब अगस्त चल रहा है, जुलाई चल रहा है, तो जनवरी में कितना किया था, तो यार जनवरी वाला तो पता नहीं, तो इसलिए वो 30 दिन का ही देखा जाता है कि पिछले 30 दिन में आपने कितना खर्च किया, और ये याद रहता है आदमी को। और ये कि भाई आपने पिछले एक साल में जूते कितनी बार खरीदे हैं, कपड़े कितनी बार खरीदे हैं, याद है या नहीं है तुम्हें, याद करो, देखे जो शर्ट तुमने पहन रखा है ये कब खरीदा था, याद आया नहीं आया, इसका मतलब तुम गरीब नहीं हो, अमीर हो, वरना देखो मुझे, देखो मुझे अभी भी याद है कि ये शर्ट मैंने कब खरीदा था, ये मैंने 3 साल पहले खरीदा था और जुलाई महीने में ही खरीदा था, ठीक है, और 17 जुलाई को खरीदा था, तो मुझे याद है, क्योंकि गरीब आदमी शर्ट खरीदता है ना, उसे खूब याद रहता है कब खरीदा था, साथ में कौन कौन दोस्त थे, फिर किसने ये एम्फेसाइज किया था इसलिए ये शर्ट खरीदा है। और अगर आपको याद नहीं रहता है तो फिर आपकी, आप गरीब हो नहीं, इसलिए टेंशन फ्री, आपके बारे में कोई चर्चा ही नहीं करनी है, यहाँ तो गरीब गरीबों को गिनना है, ठीक है, तो और गरीब होता है उसे याद रहता है, ठीक है। तो ये दो तरीके होते हैं पॉवर्टी मेजरमेंट के लिए, ठीक है। अब जो है भारत में गरीबी का कैसे मापा जाता है, देखो भारत में गरीबी मापन, पॉवर्टी एस्टिमेट इन इंडिया,
भारत में गरीबी का जो अनुमान लगाया जाता है, एस्टिमेट किया जाता है, वो नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। लिखो देखे, नीति आयोग के द्वारा किया। इन इंडिया पॉवर्टी इज एस पॉवर्टी एस्टिमेशन इज डन बाय नीति कमीशन या नीति आयोग। पॉवर्टी मेजरमेंट इज डन बाय नीति आयोग। ठीक है, तो भारत में गरीबी मापन का काम कौन करता है? नीति आयोग करता है। ठीक है, अब नीति आयोग को आंकड़े कौन उपलब्ध करवाता है? तो लिखो कि नेशनल सैंपल सर्वे एनएसएसओ एनएसएसओ इसके लिए आंकड़े उपलब्ध करवाता है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो है, इसके लिए आंकड़े एकत्रित, एनएसएसओ कलेक्ट द डेटा एंड प्रोवाइड टू नीति आयोग। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो है वो आंकड़े एकत्रित करता है और नीति आयोग को देता है। ठीक है, अब ये नेशनल सैंपल सर्वे किसके अंतर्गत आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, लिख दो कि एनएसएसओ सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, अपन ने ये पहले भी पढ़ा था, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, याद आ रहा होगा? ए ईश्वर, इन बच्चों को बिल्कुल माफ मत करना, क्योंकि ये जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, रिवीजन नहीं करते हैं। WPI और CPI अपन ने पढ़ा था, तो उसमें मैंने बताया था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो कैलकुलेट किया जाता है वो CSO करता है। ठीक है, तो CSO के द्वारा जो है वो किया जाता है। और CSO किसके अंतर्गत कौन से मंत्रालय में आता था? सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगर सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, तो अब साथ में ये भी आ जाना चाहिए कि WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो कौन कैलकुलेट करवाता है? नहीं याद, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नो, तुम रिवीजन करते ही नहीं हो पुरानी चीजें, इसलिए ईश्वर तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए वो जो मंत्रालय था वो तो इसलिए कोई, अब ये क्या, ये तो NSSO आंकड़े उपलब्ध करवाता नीति आयोग को, ये तो हर कोई याद कर लेगा। इसलिए अगला वाला कोई खुरापाती टीचर हो, वो इस NSSO का नाम न लिख के कौन से मंत्रालय के द्वारा आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं अगर लिख दिया तो, इसलिए ये याद होना चाहिए सांख्यिकी मंत्रालय। कौन सा? कार्यक्रम क्रियान्वयन इतना लंबा याद नहीं भी रहे तो सांख्यिकी मंत्रालय इतना याद रख लो। ठीक है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, और ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भी आया था ये मंत्रालय, इसलिए अब दोबारा रिविजन तीसरी चौथी बार हो गया है तब तो याद हो जाना चाहिए आपको। ठीक है, तो वो जो है वो आंकड़े एकत्रित करता है, वो आंकड़े देता है, और नीति आयोग जो है वो गरीबी का अनुमान लगाता है। अब भारत में जो है वो गरीबी मापन की जो इकाई है वो परिवार को माना गया है। लिखो कि फैमिली इज ए यूनिट फॉर पॉवर्टी मेजरमेंट, गरीबी मापन की इकाई परिवार को माना गया है। गरीबी मापन की जो इकाई है वो परिवार को माना गया है। और एक आदर्श जो एक परिवार में 5 सदस्य माने जाते हैं,
एक आदर्श परिवार में कितने सदस्य माने जाते हैं? 5 सदस्य। तो 5 सदस्यों का जो परिवार मान के, और फिर कि कितने परिवार, आपने देखा बीपीएल फैमिली टर्म यूज होती है, ठीक है, बीपीएल फैमिली, इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं, ये कौन कौन व्यक्ति है। अगर गरीब है तो पूरा परिवार गरीब है। अब ऐसा नहीं एक परिवार है, गरीब परिवार है और उसका एक बच्चा जो है वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहता है और रिश्तेदारों की स्थिति ठीक है और उसकी बुनियादी आवश्यकताएं पूरी हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि उस परिवार के 4 सदस्य तो जो है वो गरीब माने जाएंगे, 4 व्यक्ति और एक नहीं माना जाएगा, नहीं, ठीक है, उसको भी गरीब माना जाएगा। तो बीपीएल फैमिली होती है, व्यक्ति नहीं होता है। भारत में जो कैलकुलेशन किया जाता है तो उसमें व्यक्ति नहीं होता है, ठीक है, परिवार, कितने परिवार, बीपीएल फैमिली। अगर बीपीएल का कार्ड मिलेगा तो पूरे परिवार को मिलेगा, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। अब गरीबी का जो अनुमान है ये प्रतिवर्ष किया जाता है, लिखो, पॉवर्टी इज एस्टिमेटेड एनुअली। प्रतिवर्ष एनुअली, ठीक है, लेकिन एनुअली इतने छोटे डाटा होते हैं। बड़े स्तर पर जो है व्यापक सर्वेक्षण जो है 5 वर्ष में एक बार होता है। लिखो कि बड़े स्तर पर सर्वे 5 वर्ष में एक बार किए जाते हैं, 5 साल में एक बार। तो आपके जो एग्जाम में आते हैं जो एनुअली आंकड़े आते हैं वो नहीं आएंगे, आपके जो एग्जाम में आता है वो 5 वर्ष में एक बार जो किए जाते हैं वो वाले आंकड़े जो है वो आते हैं, ठीक है। तो 5 वर्ष में आंकड़े 2004-05 में जो है वो गरीबी मापी गई थी, उसके बाद 2009-10 में मापी गई थी, उसके बाद 2014-15, उसके बाद 2019-20। तो 2019-20 के आंकड़े अभी तक जो है वो आए नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है 5 साल में एक बार, और वो मैंने साल बता दिए पिछले, किस तरह से 5 साल के अंतराल से बड़े स्तर पर सर्वे करवाया जाता है और उन आंकड़ों को ज्यादा ऑथेंटिक जो है वो माना जाता है, ऑफिशियल माना जाता है, ठीक है। अब गरीबी के मापन के लिए जो है आय को आधार नहीं बनाया जाता है, इनकम इज नॉट कंसिडर्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी। गरीबी के अनुमान के लिए आय को आधार नहीं बनाया जाता है बल्कि उपभोग व्यय को आधार बनाकर किया जाता है। पॉवर्टी इज एस्टिमेटेड बाय द कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, कितने कमाए हैं इस आधार पे नहीं, क्योंकि इस परिवार की कितनी इनकम है, आमदनी है, नहीं। पैसा जो कमाता है ना उसका नहीं होता, पैसा उसका होता है जो उसको खर्च करता है, ठीक है, खर्चा किसने किया। तो इसलिए आपके पास कितने पैसे आए हैं कोई मतमायना नहीं है, आपने जिंदगी में कितने कमाए हैं ये मैटर नहीं करता, आपने खर्च कितने किए हैं ये मैटर करता है, ठीक है। इसलिए जितने भी कमाओ फटाफट खर्च करो, और लास्ट में आदमी जो मुस्कुराएगा कि उसने अपनी जिंदगी में कुल कितना खर्चा किया, क्यों खर्चा जितना करेगा खुद पे करेगा, खुद के दोस्तों पे, घर वालों पे करेगा, सब पे करेगा, तो वो खर्चा जो है वो खुशी देना चाहिए आदमी को। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे देश में आदमी को खर्चा करना खुशी नहीं देता है, उसको कमाना खुशी देता है। वैसे कायदे से कमाने में इसलिए खुशी होनी चाहिए कि भाई चूंकि अपन कमा रहे हैं तो अपन खर्च कर सकेंगे, ठीक है। तो इसलिए खर्चा किया वो पैसा आपका है, कमाया वो आपका बिल्कुल ही नहीं है, ऐसा हमारे गरीबी मापने वाले भी कहते हैं कि खर्चा कितना। अब आमदनी तो कई आदमी की होती है, चलो इनकम तो खूब है, अब उस इनकम में से हो सकता है कि पुराना कर्जा इतना ज्यादा है कि ज्यादातर तो पुराना कर्जा चुकाने में ही जा रहा है और परिवार की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही है, तो वो आमदनी किस काम की, बुनियादी आवश्यकताएं तो पूरी नहीं कर पा रहा। आपने देखा ना कि बुनियादी आवश्यकताएं जो पूरी नहीं कर पाता है वो गरीब होता है, ठीक है। पैसा आमदनी तो खूब थी व्यक्ति की लेकिन चोरी हो गई, ठीक है। तो ये नहीं, ये आमदनी को आधार नहीं बनाया जाता है, कौन परिवार कितना कमाता, कौन परिवार कितना खर्च करता। इसमें एक तो ये फायदा होता है, ये होता है कि जरूरी नहीं है कि जितनी आमदनी है उतना खर्चा करेगा,
और बुनियादी आवश्यकताएं पूरी होगी। और दूसरा कि भाई आदमी की आमदनी नहीं भी है तो कई ऐसे लोग होते हैं जिनको गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी देती है, गवर्नमेंट अनाज वगैरह देता है, तो वो भी उसने खर्च किया है, वो कंज्यूम किया है कुल, तो हो सकता है उसका भी फायदा जो है वो ले लिया जाता है कि चलो आदमी ने इतना तो खुद ने कमा के खर्च किया और इतना गवर्नमेंट ने उसकी हेल्प कर दी, इसलिए कुल मिला के उसकी बुनियादी आवश्यकताएं पूरी हो। तो इसलिए पॉवर्टी एस्टिमेट के लिए आमदनी को नहीं देखा जाता है, इनकम इज नॉट कंसिडर्ड। व्हाट इज कंसिडर्ड? इट इज एक्सपेंडिचर्स ऑन कंजप्शन, कि कोई भी परिवार उपभोग पर कितना व्यय करता है उसको आधार बनाकर जो है वो किया जाता है। ठीक है, अब लिखो कि तो ये हो गया। अब भारत में पहले कैलोरी कंजप्शन को गरीबी का आधार बनाया गया था। इन इंडिया अर्लियर देयर वाज अ कैलोरी कंजप्शन इन इंडिया अर्लियर द कैलोरी कंजप्शन वाज द बेस ऑफ द पॉवर्टी मेजरमेंट। कैलोरी उपभोग को गरीबी मापन का आधार बनाया गया था। In India, earlier calorie consumption was the base of poverty estimates. गरीबी के अनुमान का आधार क्या था? कैलोरी उपभोग को गरीबी का आधार जो है बनाया गया था। कौन कैलोरी कंज्यूम कर लेता है? भरपेट भोजन मिल जाता है मतलब वो गरीब नहीं है, और जिसको भरपेट भोजन नहीं मिलता है वो गरीब जो है वो माना जाता था। लेकिन वर्तमान में वर्तमान में कैलोरी उपभोग के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, कपड़े, जूते, ये जो लिखवाए इनको भी गरीबी के अनुमान में आधार बनाया जाता है। बट एट प्रेजेंट अलोंग विद द कैलोरी कंजप्शन एजुकेशन, हेल्थ, क्लोथ्स, फुटवियर्स एटसेट्रा आर ऑल्सो कंसिडर्ड फॉर द पॉवर्टी एस्टिमेशन। ठीक है, तो वैसे भारत में ज्यादा लोकप्रिय तो वही था कैलोरी कंजप्शन, जो ज्यादातर ज्यादा लंबे समय तक भारत में गरीबी मापन के लिए जो कैलोरी उपभोग को बेस बनाया गया था। और कैलोरी उपभोग जहां लिखा गया है वहां लिख दो 2100 कैलोरी और 2400। ठीक है, तो शहर और गांव, ठीक है, शहर में कितना माना जाता था? 2100, क्योंकि शहर के आदमी को हार्डवर्क कम करना पड़ता है इसलिए उसकी कैलोरी कम, और गांव के आदमी को ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है इसलिए ज्यादा। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड ज्यादातर समय तक जो है वो रहा था, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पर पर्सन पर डे पर पर्सन पर डे प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। ठीक है, तो कैलोरी गंज अब लोग देखो इतनी कैलोरी मिल जाए तो खूब है। वैसे सामान्यतः साइंस में प्रश्न आया था एक बार कि एक सामान्य आपके आरएस में आया था कि सामान्यतः एक व्यक्ति को एक दिन में कितनी कैलोरी चाहिए, एक सामान्य व्यक्ति को, साइंस पढ़ी हुई होगी तो बताओ देखें। 3000 कैलोरी एक व्यक्ति को कितनी चाहिए? 3000 कैलोरी लिखो सामान्य व्यक्ति को। पर डे 3000 कैलोरी की जरूरत होती है।
ठीक है, जहाँ तक मैं तो देखो साइंस तो नहीं है, पर मुझे जहाँ तक है 3,000 होती है, और हार्ड वर्क करने वाले व्यक्ति को जो कठोर परिश्रम करता है उसको 4,000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। उसे कितनी कैलोरी की जरूरत होती है? 4,000। ठीक है, चलो खैर अभी तो क्या होता है, अभी अपन देखेंगे। सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने इन चीजों को चेंज कर दिया, फिर सी रंगराजन कमेटी ने और भी चेंज कर दिया कि गरीबी को भारत में किस तरह से जो है वो मापा जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया, ये तो हो गया। अब उसके बाद जो है यूएनओ, लिखो यूएनओ, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनओ जो गरीबी मापता है, एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी करता है। यूएनओ जो है एमपीआई, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी करता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो जारी करता है यूएनओ, और उससे गरीबी मापता है कि भाई किन किन चीजों, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये अपन देखेंगे बाद में। अभी जब अपन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जब पढ़ेंगे, एचडीआई पढ़ेंगे, जीडीआई पढ़ेंगे, जीआईआई पढ़ेंगे, ठीक है, आईएचडीआई पढ़ेंगे, तो उस समय जो है ये सारे इंडेक्स पढ़ेंगे, उस समय मैं ये एक्सप्लेन करूंगा। विश्व बैंक जो है, लिखो देखें, विश्व बैंक के अनुसार क्या मानना है, जो व्यक्ति एक दिन में $1.90 से कम व्यय करता है वो गरीब है। पर्सन हु कांट एक्सपेंड $1.90 पर डे इज पुअर। ठीक है, यानी विश्व बैंक का मानना है कि एक आदमी एक दिन में $1.90 से कम अगर खर्च करता है तो फिर वो गरीब है। यानी ये अगर भारत के अंदर देखें तो $1 का मतलब होता है ₹80 लगभग, और 9×17 और मान लो तो 150, एक 150 रुपए से कम अगर एक व्यक्ति का खर्चा है एक दिन का तो फिर वो गरीब है। 150 से ज्यादा एक व्यक्ति का खर्चा है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक परिवार में पांच सदस्य होते हैं और उनकी पर डे 750 का कंजप्शन करते हैं तो फिर वो गरीब नहीं है, अन्यथा वो गरीब है। फिर लिखो एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का कितना मानना है, एडीबी के हिसाब से इससे कम खर्च करते हैं तो वो फिर गरीब माना जाएगा। तो इस तरह से ये पॉवर्टी एस्टिमेट इंडिया में कैसे होता है, वर्ल्ड बैंक, यूएनओ, एडीबी जो है वो किस तरह से गरीबी को मापती है। अब लिखो भारत में गरीबी मापन का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया। भारत में गरीबी मापन का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया। भारत में गरीबी को कब से गरीबों को कंसिडर करना शुरू किया, गरीब कितने हैं। ठीक है,
तो भारत में साहब सबसे पहले जो है 1868 में दादा भाई नौरोजी, हिस्ट्री में पढ़ा है आपने ये, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी नाम सुना है, इन्होंने एक बुक लिखी, ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, यही था बुक का नाम, लिखो तो लिख दो, बुक क्या थी, एक पेपर था एक तरह से, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी कि ब्रिटिश रूल, उन्होंने कहा कि भारत में गरीबी का जो कारण है ना, वो अंग्रेज है, और इसी में उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी, धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था टेट उस समय, कि अंग्रेज यहां से शोषण कर करके पैसा ले जाते हैं ब्रिटेन में, और ब्रिटेन को माला माल कर दिया, मतलब कितनी ऐसी बड़ी बात है कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत में कोई गरीब नहीं था, इसका मतलब ब्रिटिश शासन ही गरीबी का कारण है, और अंग्रेजों के जाने के बाद भी भारत में कोई गरीब नहीं है, बस जो गरीब थे वो किसकी वजह से थे, अंग्रेजों की वजह से थे, ठीक है, ऐसा दादा भाई नौरोजी ने कहा, और हम सभी लोग जो है मानते हैं, और अंग्रेज भी देखो भारत में उस समय न तो उत्पादन के इतने साधन थे, न इतनी इंडस्ट्रीज थी, न इतना सर्विस सेक्टर था, उत्पादन का जो साधन था वो था खेती, और खेती में भी आज जो टेक्नोलॉजी का यूज होता है न वो टेक्नोलॉजी थी उस समय, कुछ भी नहीं था, फिर भी सिर्फ खेती की आय से अंग्रेजों ने भारत में एशिया की सबसे बड़ी फौज रख ली, ठीक है, इतने 45,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछा दिए, उन्होंने संसद भवन वगैरह जितनी भी महत्वपूर्ण इमारतें हैं ये सब बना दी, सड़कें इतनी सारी बना दी थी, और उसके बाद भी बचा बचा के पैसे जो है वो ले गए, और इंग्लैंड को भी माला माल कर दिया, तो या तो मतलब उस समय भारत की मिट्टी जो है सोना वास्तव में उगलती थी, मेरे देश की मिट्टी सोना उगले उगले हीरे मोती, तो शायद वास्तव में सोना उगलती होगी, हीरे मोती निकलते होंगे, बाहर निकलते होंगे जिनको वो लेके गए होंगे, और आज स्थिति ये है कि उत्पादन के इतने सारे साधन हैं, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू के इतने सारे सोर्सेज हैं, और खेती से तो उल्टा किसानों को जो है सब्सिडी दी जाती है, उसके बावजूद किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इसका मतलब हमारी सरकार एफिशिएंट कम है, इतनी एफिशिएंट नहीं है जितने ब्रिटिशर्स थे, क्या ये कारण है, ठीक है, फिर भी हमारी सरकार से अभी भी गरीबी जो है वो दूर नहीं हो रही है, तो दादा भाई नौरोजी तो कहते थे ये, और अंग्रेजों की मानना उल्टा है, अंग्रेजों में रुडयार्ड किपलिंग नाम सुना होगा, रुडयार्ड क्यों कौन सी बुक लिखी उसने, जंगल बुक, मोगली, मोगली वाला जंगल बुक जो रुडयार्ड किपलिंग ब्रिटिशर्स था, इंडिया में भी रहा था, उसने थ्योरी दी थी वाइट मैन्स बर्डन थ्योरी, श्वेत आदमी का बोझ, वो तो ये मानते थे कि अरे यार हम लोग ब्रिटेन में बहुत शान और शौकत से आलीशान तरीके से रह सकते हैं, आराम की जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन ईश्वर ने सबसे पहले हम यूरोपियंस को ही सिविलाइज्ड किया है, सभ्य किया है, तो इसका मतलब ईश्वर ने हमें ये उत्तरदायित्व दिया है कि हम इस सभ्यता को, इस सिविलाइजेशन को पूरी दुनिया में सब लोगों तक पहुंचाएं, तो खैर अंग्रेज ऐसा मानते थे और हम ऐसा मानते हैं जो दादा भाई नौरोजी ने कहा, तो दादा भाई नौरोजी ने उस समय ये अनुमान किया था कि भाई गरीब के गरीबी का जो कारण है वो अंग्रेज है, अंग्रेज है तो फिर गरीब का मतलब क्या, किसे डिफाइन करोगे गरीब, तो इन्होंने कहा था कि जो गरीब किससे मानेंगे, तो पर कैपिटा इनकम, इन्होंने कंजप्शन नहीं माना था उस समय कि जो इससे कम कमाता है, तो उन्होंने जो माना था कि गांव और शहर, गांव में 16 रुपए और शहर में 35 रुपए, तो लिखो गांव में 16 रुपए और शहर में 35 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, पर कैपिटा
पर ईयर, दोनों का लिख देना, प्रति व्यक्ति 16 रुपए, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, वर्ष पे थोड़ा जोर देना, ठीक है, प्रति वर्ष। एक व्यक्ति अगर 16 रुपए कमाता है गांव में एक साल में, तो फिर वो गरीब नहीं है। और शहर के अंदर एक आदमी 35 रुपए कमाता है तो फिर वो गरीब नहीं है। इससे कम कमाने वाले, प्रति व्यक्ति के हिसाब से जिनकी कम आय है, इससे वो गरीब जो है वो माने जाएंगे। ऐसा किसने कहा? दादा भाई नौरोजी ने। ये पहली बार उन्होंने इस तरह से पॉवर्टी एस्टिमेट के लिए एक फॉर्मूला दिया था, अपने कागज में लिखा था, और फिर उसके बाद देखा कि इस आधार पर भारत में खूब सारे लोग गरीब हैं, और इस गरीबी के लिए जिम्मेदार जो है वो ब्रिटिश सरकार है। उसके बाद साहब 1938 आ गया, 1938 राष्ट्रीय आयोजन समिति बनी एक, राष्ट्रीय आयोजन समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी, नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी 1938 में। अब क्यों बनी 1938 में? क्योंकि 1937 में भारत में चुनाव हुए थे, और अंग्रेजों ने 1935 का अधिनियम एक्ट जो है वो आप में से कईयों ने पढ़ा होगा, कईयों ने नहीं पढ़ा होगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो पारित किया गया था, और उसके तहत ये कहा गया था प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई थी, राज्यों को ऑटोनॉमी दे दी गई थी कि राज्यों के अंदर चुनाव होंगे, चुनाव होने के बाद राज्यों में विधानसभा का गठन किया जाएगा, फिर मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे भारतीयों को ही, और भारतीय ही अपना शासन जो है वो चलाएंगे। तो उस समय 11 प्रांत थे, और 11 प्रांतों में से अधिकांश प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें बन गई थी, तो कांग्रेस को अब लगा कि भाई चूंकि अपने ऊपर जिम्मेदारी आ गई है, तो अपनी जिम्मेदारी सबसे पहला काम जो है क्या होना चाहिए, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। गरीबों की मदद करने के लिए पहले गरीबों को पहचानना पड़ेगा कि आखिर गरीब है कौन, तो किस तरह से गरीबों को पहचाना जाना चाहिए, तो कि चलो एक कमेटी बनाते हैं। तो एक कमेटी बनाई थी, नेशनल प्लानिंग कमेटी। किसने बनाई थी ये? कांग्रेस, लिखो, नेशनल राष्ट्रीय आयोजन समिति, इस कांग्रेस ने इस समिति का गठन किया था। कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूटेड दिस कमेटी, कांग्रेस ने इस समिति का गठन किया था, और इस समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इसके अध्यक्ष थे। तो इस समिति ने कहा कि भाई गरीबी जो है वो कैसे मापी जानी चाहिए, तो इन्होंने कहा कि गरीबी मापने के लिए जो है वो तीन आवश्यकताएं होनी, रोटी कपड़ा मकान। कितनी आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए? तीन, लिख दो, कि भोजन, कपड़ा और मकान। ठीक है, भोजन के लिए उन्होंने कहा कि पर व्यक्ति जो है 2800 कैलोरी, अट्ठाईस सौ कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, कैलोरी का कंजप्शन। ठीक है, और कपड़ा 31 गज, एक व्यक्ति को एक साल में जो है वो कितना कपड़ा मिलना चाहिए? 31 गज जो है वो कपड़ा मिलना चाहिए, यार्ड्स 31 यार्ड्स। और मकान 10x10, एक व्यक्ति के हिसाब से 10x10 का मकान जो है, तो 5 व्यक्ति है तो उस हिसाब से इतने एरिया का मकान होना चाहिए, इतना कपड़ा मिलना चाहिए, और इतनी कैलोरी मिलनी चाहिए।
और जो इससे कम जो है वो होते हैं, जो नहीं प्राप्त कर सकते हैं इतना, तो वो फिर जो है वो गरीब माने जाने चाहिए। और ये चीजें पूर्ति कितने में होगी, तो इसके लिए उन्होंने कहा कि गांव में, वही गांव अलग और शहर, गांव में 15 रुपए प्रतिमाह और शहर में 20 रुपए प्रतिमाह प्रति व्यक्ति। एक व्यक्ति की जो आमदनी है वो 20 रुपए होनी चाहिए, परिवार में 5 सदस्य है तो हर महीने 100 रुपए की इनकम सुनिश्चित होनी चाहिए। अंग्रेज सरकार को ये तय करना चाहिए कि हर परिवार की आय 100 रुपए पर मंथ जो है वो होनी चाहिए, और 100 रुपए पर मंथ से अगर कम है तो फिर वो परिवार गरीब है। ठीक है, सो एक व्यक्ति की थी, तो हालांकि भाई तो आइडियल फैमिली 5 मेंबर तो अब माने जाते हैं, आजादी से पहले तो एक परिवार में खूब सारे मेंबर्स जो है वो होते थे। तो इस हिसाब से कहा कि इससे कम जिनकी भी आय है, अब ये व्यय वाला उपभोग वाला मेथड पहले नहीं, पहले आय देखा करते थे, तो इससे कम आय जिनकी भी है फिर वो गरीब जो है वो माने जाने चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने ये पैरामीटर्स दिए, गरीब किसे गरीब माना जाना चाहिए और किसे गरीब नहीं माना जाना चाहिए। तो ये 15 और 20 सिंपल सा है, याद रह जाएगा। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, कांग्रेस ने गठन किया था, इन्होंने पॉवर्टी एस्टीमेट के लिए ये फॉर्मूला दिया था। उसके बाद 1944 में बॉम्बे प्लान, लिखो देखें, 1944 में बॉम्बे प्लान, देश के मुख्य उद्योगपतियों ने, देश के मुख्य एमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट्स, एमिनेंट इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट्स प्रोवाइडेड दिस प्लान फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। देश के मुख्य उद्योगपतियों ने देश के आर्थिक विकास के लिए, भारत के, देश देश रिपीट नहीं होना चाहिए इसलिए यहां पे, तो भारत के आर्थिक विकास के लिए एक कार्य योजना बनाई थी, the eminent industrialists of a country provided this plan for the economic development of India, eminent industrialists provided this plan for the economic development of India। ठीक है, तो भारत के डेवलपमेंट के लिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट से लोकप्रिय, उन्होंने ये एक प्लान जो है वो प्रोवाइड करवाया था, किया था कि भाई देश का आर्थिक विकास कैसे होना चाहिए, तो उसमें इन्होंने जो है तो उसे क्या कहते हैं, उसे बॉम्बे प्लान कहते हैं। ठीक है, अब इसमें इन उद्योगपतियों में टाटा और बिड़ला भी थे, इसलिए इसको टाटा बिड़ला प्लान भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज ए टाटा बिड़ला प्लान। ठीक है, इस प्लान को टाटा बिड़ला प्लान भी कहते हैं। It is also known as a Tata Birla plan, क्योंकि टाटा बिड़ला भी इसमें शामिल थे और वो ही सबसे महत्वपूर्ण थे। और उन्होंने ही कि भाई भारत का डेवलपमेंट कैसे हो, तो उन्होंने भी कहा कि भाई देखो भारत में गरीबी तो है और सबसे पहले गरीबी को दूर करने के लिए कोई प्लान करना चाहिए, और गरीबी दूर करने के लिए लोगों की मदद करनी पड़ेगी, मदद करने से पहले कम से कम हम आइडेंटिफाई तो करें कि कौन कौन गरीब हैं ताकि हम उनको जो है वो मदद कर सकें। तो कैसे करनी चाहिए, तो इन्होंने कहा था 75 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, प्रति वर्ष जिससे कम आय वाले को गरीब माना जाए। ठीक है, 75 रुपए से कम आय जिनकी भी है
75 रुपीज पर कैपिटा पर ईयर। ठीक है, तो वो से कम आय वाले को गरीब माना जाए। तो इस तरह से गरीब कैसे माना जाए, कैसे इंडिकेट करे, पहचाने कैसे गरीबों को, तो ये पैरामीटर्स जो है आजादी से पहले इस तरह के प्रयास गरीबी पे हुए थे। अब देखो आजादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस पॉवर्टी एस्टिमेशन, आजादी के बाद गरीबी माप, चलिए तो ये अपन कल पढ़ेंगे, देखें इसको कल देखेंगे और ठीक है, ओके थैंक यू। हाँ तो मैं ही कह रहा था कल आपकी क्लास होगी, कल मैं सुबह लूंगा 10 बजे क्लास लूंगा आप लोगों की, इसलिए प्लीज कोई कहीं जाए नहीं और 10 बजे जो है सतर्कता के साथ आ जाए। ठीक है, कल संडे, क्योंकि मैं फिर आगे मंडे ट्यूसडे को अगर छुट्टी करूंगा तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं संडे की भी क्लास ले लूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो और कल अपन जो है हो सकता है पॉवर्टी वाला जो टॉपिक है इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और ये कौन लिख रहा है, शर्ट का बर्थडे है सर आज तो इसकी पार्टी दे दो। ठीक है, सर पानी आ गया, पानी आ गया है? बारिश आ गई, आपसे मिलना है कोचिंग में, कब मिलोगे? मैं स्टूडियो में मिलूंगा 6:30 बजे मिलता हूँ और कल जो है वो कोचिंग में मिलूंगा 10 बजे। कोचिंग में कब मिलोगे? ठीक है प्रशांत, सर कोचिंग में कब मिलोगे प्रशांत? ओके सर, ओके प्रियंका, हैप्पी बर्थडे सर। किसका बर्थडे है? शर्ट का कुछ ना भीड़ में शामिल होना चाहता हूँ, ना चर्चा का शौक है, बस इतनी सी ख्वाहिश है मैं लाल बत्ती वाली गाड़ी के काबिल होना चाहता हूँ। तो इसी को जो है चर्चा का शौक, इसी को ही कहते हैं। थैंक यू सर नेहा, सच सभी क्लास लगेगी क्या? सभी क्लास नहीं लगेगी, मेरी क्लास ही लगेगी इकोनॉमी की कश्मीरा। ठीक है, आज हम कल आ जाएंगे, हम कल। ठीक है सर, शर्ट का बर्थडे है, हाँ ठीक है, थैंक यू थैंक यू। बाकी क्लास थोड़ी ही लगेगी आपके अलावा, हाँ नहीं बाकी वाला मैंने प्लान किया नहीं है, पर अभी देख लेंगे, आपके पास टाइम टेबल भेज देंगे। देखें सर नोट्स अवेलेबल करा देना, हाँ ठीक है। आशा को नोट्स भेजो भाई, आशा को दिक्कत आ रही है, बाकी सब्जेक्ट की भी क्लास होगी क्या, वो जवाब दे देंगे। शिवम कह रहा मिलने आ सकते हैं क्या आपसे? हाँ आ सकते हो ना मिलने, मैं कोई ऐसा, मैं तो हमेशा सर्व सुलभ रहने वाला व्यक्ति हूँ। आरबीएन मास्टर कार्ड पर रोक लगा दी, अच्छा आरबीएन मास्टर कार्ड पर रोक लगाई है, न्यूज में था? अच्छा अच्छा, मैंने न्यूज पढ़ी नहीं है, कल भी लिखा था ये पवन, तुमने ही लिखा था सर। कोचिंग कब खुलेंगे? कोचिंग पता नहीं कब खुलेंगे, ओनली इकोनॉमी की ही क्लास होगी क्या? सही काम करने के लिए सही व्यक्ति का इंतजार करना पड़ता है, आखिरकार आपको मिल ही जाता है। थैंक यू सर साहिल, थैंक यू, इतनी तारीफ तुम लोग जो है मुझे चढ़ाते रहते हो। वैसे कोचिंग खुलने के आसार तो कम ही लग रहे हैं। सर अर्णब गोस्वामी के बारे में 2 शब्द दे दो अभिषेक, इकोनॉमी का टॉपिक आएगा तो दे देंगे, उस इकोनॉमी के बारे में वो लपड़ छपड़ करेगा तो बोल दूंगा, बाकी तो आऊ करता रहता है एन टाइम। ठीक है, चिल्लाता रहता है। सर अर्णब अभिषेक ये हो गया, आज 17 तारीख है, सो सभी सब्जेक्ट ठीक है। ठीक है अभिषेक, एक सर जी आपके गांव जाने की योजना, बाद में इकोनॉमी को 2 बार रिविजन कराने का प्लान बनाया है? हाँ बात ये पीछे से, जब भी मैं ये छुट्टी पे रहूं तो आप लोग जो है वो इकोनॉमी को जो है रिवीजन कर लेना अच्छे से, क्योंकि आपके लक्षण देख लिए मैंने आज, किसी ने जो है वो नहीं लिखा था कि जो है वो सांख्यिकी मंत्रालय कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय जो है वो कब पहले, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कब पहले पढ़ाया था, किसी को ही याद नहीं आया था। कोचिंग आएंगे तो मिठाई खिलाएंगे, हाँ मिठाई खिलाएंगे ना। रुडियार्ड किपलिंग के स्टेटमेंट्स से आप सेटिस्फाई थे क्या? सहमत हो सर? नहीं नहीं, मैं ऐसा कोई ऑनलाइन रिकॉर्ड स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, मैं रुडियार्ड किपलिंग के पक्ष में हूँ विरोध में हूँ इस तरह का मेरा कोई विचार नहीं है, मैंने तो केवल बात की है। ठीक है, ये ऑफिस में आना, मैं मेरे विचार जो आपको बता दूंगा।
शिवराम कह रहे हैं सर पापा आपके फैन हो गए, थैंक यू शिवराम। सर कल लंबी क्लास ले लेना आप, तो ऑफ रखना अदर क्लास प्लीज। ठीक है सर, घूमने का कहीं नहीं जा रहे हैं। ठीक है सर, नोट्स नहीं बने भारत में गरीबी मापने के। सर नोट्स नहीं बने भारत में गरीबी मापने के, पॉवर्टी एस्टिमेट के। अभी तो मैंने मापने के नोट्स तो कहाँ बताए हैं, कुछ ही नहीं लिखवाए। आज तो सिंपल सिंपल है सर, ये चैप्टर बहुत इजी लग रहा है आप से पढ़ गए। हाँ ये इजी है, गरीब सारे चैप्टर इजी होते हैं। ठीक है, कोई टफ तो कुछ होता ही नहीं है। मिठाई बचा के रखना, हाँ अब देखो सरिता, अब मिठाई जो है भाई, इतने दिन तो स्टूडेंट आ रहे थे ला रहे थे, अब तो लगभग जब सभी आ गए हैं तो देखो देखें क्या आज मिठाई क्या स्थिति थी, फुल थी। ये कह रहे हैं हम तो स्टूडियो बैठे हैं, उधर आती है मेन बिल्डिंग में, हमें कौन खिलाता है, बोलो थका बड़ा कट पड़िया भाई। ठीक है, कांग्रेस सेशन में नेशनल प्लानिंग में जवाहरलाल नेहरू को जी को बनाया था। हाँ इस प्लानिंग में तो ये जो आयोजन कमेटी के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, ज्योग्राफी की क्लास लगा दो सर, आज नहीं हुई थी सर। कोचिंग खोलने के कुछ समाचार आ रहे हैं या नहीं, अभी कुछ ही समाचार नहीं आ रहे हैं। राइटिंग का सुधार कैसे करूं सर, मेरे लिखते हुए हाथ कंपन करते हैं बंधु। तो ये तो देखो गणेश जी का जो है ना राइटिंग स्किल के लिए गणेश जी को मानो और 5 बुधवार व्रत रख लो और मोती डूंगरी गणेश जी के जाके बुधवार को फेरी देखे आ जाओ। तो क्योंकि राइटिंग स्किल गणेश जी की बहुत अच्छी थी, तो पूरी जो महाभारत है और रामायण है इन दोनों को लेखनीबद्ध गणेश जी ने किया था। इसका मतलब गणेश जी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी अगर सौंपी गई है तो उन्होंने लिखा है, तो इसका मतलब उनकी राइटिंग स्किल जो है वो अच्छी रही होगी। तो इसलिए आप लोग जो है वहाँ जाओगे तो निश्चित रूप से तुम्हारे जो है राइटिंग स्किल इम्प्रूव हो जाएगी। सर ऑल सब्जेक्ट ठीक है, ठीक है सुमन थैंक यू। ठीक है, अभी सोचा था कि घर पर एक कस कर पढ़ने आते, वो आप सपना सच हो गया सर। कहीं सोचा था कि घर पर ही काश सर पढ़ाने आ जाते। योगिता कह रही है कि वो सपना पूरा हो गया, सरकार ने महंगाई भत्ता दिया है। हाँ महंगाई भत्ता दिया है, सरकार देती है वो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। तुम बनोगे तो तुम्हें भी बने मिलेगा। आईपीओ खरीद लें क्या, नहीं जोमेटो का आईपीओ देखो, मैं एडवाइजर नहीं हूँ इस पे सर। ठीक है, एनएसएसओ सीएसओ में मर्ज के बाद एनएसओ पॉवर्टी के डाटा कलेक्ट नहीं करता है क्या, अभी अपन देखेंगे। सी रंगराजन समिति बनेगी वो मोनिका, और फिर वो जो है डाटा कहाँ से कलेक्ट करवाते हैं, फिर इन्होंने मना कर दिया कि नहीं एनएसएसओ के जो आंकड़े हैं वो प्रॉपर नहीं होते हैं, इसलिए इंडिपेंडेंट सर्वे अलग से किया जाना चाहिए। ठीक है प्लीज सर कंप्लीट इकोनॉमी की पीडीएफ। ओके आशा टेल मी, खुदरा महंगाई पायल और खुदरा महंगाई, खुदरा इसी को कंज्यूमर प्राइस को ही कहते हैं, खुदरा थोक मूल्य और खुदरा मूल्य। खुदरा का मतलब जो रिटेल प्राइस होती है, रिटेल प्राइस को खुदरा मूल्य कहते हैं। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसे हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई कहते हैं उसको खुदरा महंगाई कहते हैं, खुदरा मूल्य। ओके राजकुमार, आर एस इज इक्वल टू रिजल्ट अचीव थ्रू स्प्रिंग बोर्ड, इसका आर एस की फुल फॉर्म बनाइए राजकुमार ने। सर लिखा था साहिल, जल्दी जल्दी सर कोचिंग खुल जाए तो अच्छा रहे। हाँ दिनेश वापस लिखवा देना गरीबी मापन की इतिहास साधना। गरीबी मापन का इतिहास में 3 तो लाइनें लिखवाई दादाभाई नौरोजी ने, क्या कहा था ये बोर्ड के ऊपर अभी भी लिखी हुई है, इतनी बातें हैं गरीबी मापन का जो इतिहास है इसमें, इससे ज्यादा है नहीं। मोदी जी आने के बाद लहर चालू हो गई, अब थर्ड लहर आ रही है। अभी तो राहुल गांधी के बारे में बताओ, ये पॉलिटिकल नहीं सर, याद है सच्ची में ऑनलाइन के लिए जयपुर में रहने से क्या फ़ायदा है सर। ऑनलाइन देखो घर पे रहने से थोड़ा
स्ट्रेक तो होता ही है माइंड जो है, घर की जो समस्याएं होती है वो सुनते हैं, सुनते हैं तो हम मानवीय जीव हैं, सामाजिक प्राणी हैं, तो हमें वो चीज़ें प्रभावित करती है कहीं ना कहीं, तो इसलिए यहाँ रहते हैं तो वो, और वो कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिनका हम समाधान तो कर नहीं सकते, लेकिन वो हमारे दिमाग में यूं ही चलती रहती है। और परिवार है वहाँ पर खुशियाँ भी होती है, कुछ टेंशन भी होते हैं, तो रोज़ कभी खुशी कभी गम तो होता है, तो उसमें फिर पढ़ाई का थोड़ा बिगड़ जाता है तालमेल। अच्छा, अरुण जेटली पर आपने कुछ कहने का बताया था, अगली बार अगली क्लास में बता देंगे अरुण जेटली चिंदी चोर के बारे में क्या बताना था, ठीक है। हाँ तो हमारे रुक के जाना बीच में आता है, अराबा रुक के जाना दीपिका कह रही है, सर याद था हमें, अच्छा याद था क्या, चलिए ठीक है, ओके थैंक यू।